नमस्कार दोस्तों, कहीं चौका छक्का, कोई कीचे रस्सा, कहीं चौका छक्का, सब मिलकर खेल जमा। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग, एक सॉन्ग है जो खेलों को बढ़ावा दे रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि पिछले साल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उसी के आगाज में फिर अशोक गहलोत साहब ने शहरी ओलंपिक की घोषणा की थी 2023 में। 5 अगस्त 2023 को राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की आगाज की गई है, शुरुआत की गई है। तो देखो, ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल दोनों को अलग अलग खेलों में बांटा गया, दोनों में अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाएंगे। दोनों में खास बात यह है कि दोनों में सात सात खेल खेले जाएंगे। कितने खेले जाएंगे? सात। सात ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में और सात खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल दूसरी बार आयोजन हो रहा है, राजीव गांधी शहरी खेलों का आयोजन है वो प्रथम बार हो रहा है। दोनों में सात खेल कौन कौन से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप किसी की तैयारी करें जिसमें भी राजस्थान का करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है, उसमें खेलों से संबंधित सवाल जरूर आएगा। और राजस्थान आप पिछले एग्जाम देखे हैं तो ग्रैंड ओलंपिक के आए हैं, अब अगर दोनों के सवाल आ सकते हैं, ज्यादातर सवाल इन खेलों में से ही आने की संभावना है। तो एक बार इन सब खेलों को जरूर ध्यान से देखना। उससे पहले देखो, राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल 2023, इसमें है ना 10 से 82 साल के लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो कुल मिला के 58.51 लाख लोगों ने है वो रजिस्ट्रेशन किया है खेलों। तो देखो, जो गांव में है ना, गांव में इसकी शुरुआत 11,252 ग्राम पंचायत से हुई, 11,252 ग्राम पंचायत से हुई है। वही शहरी निकाय में 538 शहरी निकाय में इसकी शुरुआत की गई है। तो देखो, पहला है अपना ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में सात खेल कौन कौन से और शहरी ओलंपिक खेल में कौन कौन से। खास बात है कि दोनों में पांच पांच खेलना उस्मान, पांच पांच खेल है वो एक जैसे ही। कौन कौन से? कबड्डी दोनों में ही है, टेनिस बॉल क्रिकेट दोनों में, खो खो दोनों में, जो लड़कियां खेला था उसमें टेनिस बॉल क्रिकेट खो खो वॉलीबॉल फुटबॉल दोनों में है, ये पांच खेल है वो दोनों में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हो या राजीव गांधी शहरी ओलंपिक हो, दोनों में पांच खेल समान कौन कौन से? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है। फिर ग्रामीण ओलंपिक खेल में दो खेल अभी कौन से? शूटिंग बॉल और रस्साकस। आपने अभी वीडियो वगैरह यूट्यूब पर वगैरह देखे होंगे या फिर फेसबुक वगैरह, तो आपने औरतों को रस्साकस खींच देखा होगा, जरूर वीडियो आया होगा, लोग का सबको का वीडियो आया, पर फेमस वीडियो है। इसमें एक साइड में वो वीडियो बना रखे हैं कि गांव की औरतें हैं जो छोकरा खाई हुई है और एक पिज्जा खाई हुई है, जीत रही है, मतलब की है ये राजस्थान फिट राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, ठीक है। अच्छा खाओ अच्छा जीतो, इस प्रकार, ठीक है। तो रस्सा कसी खेल है ये। तो ग्रामीण ओलंपिक में कौन कौन से? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, रस्सा कसी, शूटिंग बॉल, रस्सा कसी, रस्सा कसी में जुड़ा हुआ है ध्यान में रखना, ये ग्रामीण में। शहरी में, शहरी में कौन कौन से? पांच तो वही है, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। फिर अपना राज्य का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य का राज्य खेल बास्केटबॉल। आपके लिए मेरे एक सवाल, राज्य क्या राज्य खेल बास्केटबॉल ना, इसको खेल राज्य खेल की मान्यता कब दी गई? आपको कमेंट करके बताना है कि बास्केटबॉल को राज्य खेल की मान्यता कब दी गई है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में तीन प्रकार के रेस है, 100 मीटर की, 200 मीटर की और 400 मीटर। शहरी है, शहरी खेल ओलंपिक है ना, वो 538 नगर निकाय में शुरू किया। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं वापिस, ग्रामीण ओलंपिक खेल में सात खेल, शहरी ओलंपिक खेल में सात खेल, शुरुआत हुई 5 अगस्त 2023 से शुरुआत हुई। गांव में कौन कौन से? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। शहरों में यही है, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। इसके बाद गाँव में अलग है शूटिंग बॉल, रस्साकसी, शूटिंग बॉल, रस्साकसी, गाँव याद रखना, गाँव में शूटिंग बॉल, रस्साकसी, गाँव में शूटिंग बॉल, रस्साकसी, शूटिंग बॉल, रस्साकसी, शहरों में बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स है वो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर।
राज्य का राज्य के बास्केटबॉल शहर में गाँव में। ठीक, धन्यवाद। वीडियो देखकर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।